लखीमपुर खीरी भारत नेपाल सीमा के तराई में 134 वर्ग किलोमीटर में फैला दुधवा टाइगर रिजर्व दुर्लभ वन्य जीवों की खान है, जहां बाघ, हिरण, भालू जैसे न जाने कितने जीव जंतु रहा करते हैं। लेकिन इस वक्त प्रकृति में काफी बदलाव आया है, जिससे अब दुधवा टाइगर रिजर्व में भी खत्म होने के कगार पर पहुंचे वन्य जीव एक बार फिर से अपने अस्तित्व को लेकर सामने दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दुधवा के जंगलों में विलुप्त हो चुका दुर्लभ सांप रेड कोरल कुकरी, जो कभी दुधवा के जंगलों में सन 1936 से पहले लगातार देखा जाता था, लेकिन उसके बाद यह देखना बंद हो गया, जिसके बाद प्रकृति में हुए बदलाव में एक बार फिर से यह दुर्लभ सांप सन 2018 में दिखाई दिया और उसके बाद सन 2020 में फिर से दिखाई देने लगा, जिसके चलते पार्क प्रशासन में काफी खुशी और माहौल देखा जा रहा है। तो वहीं वन्य जीव प्रेमियों में भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में लगातार हो रही बारिश के बाद एक कर्मचारी के घर के अंदर यह दुर्लभ रेड कोरल कुकरी सांप बैठा दिखाई दिया, जिसे मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने वीडियो बना लिया और इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने सांप को घने जंगलों में छुड़वा दिया। ये जो सांप दिखाई दिया है रेड कोरल कुकरी, ये लास्ट टाइम 1936 में दिखाई दिया था, उसके बाद लगातार 2018 और इधर 2020 में दिखाई पड़ा है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रकृति में जिस हिसाब से बदलाव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है प्रकृति को, और जो विलुप्त हो चुकी प्राणी हैं वो अब दोबारा से लौटने लगे हैं। और जो देखा जाए कि अपने यहाँ का वन अधिकारी है, जो उन्होंने संरक्षण के लिए योजनाएं चलाई थी, वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। ये मुख्यतः रेड कोरल कुकरी सांप के नाम से जाना जाता है, और इसको वैज्ञानिक तौर पर ओलिगोडॉन खेरियंसिस बोलते हैं। तो इससे भी पता चलता है, जो स्पेसिफिक नाम उसको दिया गया खेरियंसिस, इसका मतलब है कि कहीं खेरी में पाया गया था। बताया जाता है कि 1936 में आखिरी बार दिखा था, फिर उसके बाद फिर 2018 में इसको देखा गया 82 साल के बाद, और 2018 के बाद से ये सिलसिला लगभग कायम है। हर साल ये दिख रहा है, पिछले साल भी दिखा था, लोगों ने उसकी तस्वीरें भी भेजी थी, इस साल भी दिखा है। और ये मैं आपके माध्यम से जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो सांप है, ये बिल्कुल ही किसी भी प्रकार से आपको कोई नुकसान पहुँचाने की स्थिति में नहीं है। एपीटीवी भारत के लिए लखीमपुर खीरी से संजय राठौर की रिपोर्ट।